आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8। यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह पहले से लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर डालिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आइए बच्चों चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसको शुरू करूँ मैं। इससे पहले मैं इसको रीड करके बताता हूँ कि क्या लिखा है। How many twos are there in the prime factorization of 100? यानी 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो उसमें 2 कितनी बार आता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, निकाल लेते हैं इसमें 2 से 2, 5 जा 10, 0 की 0, फिर 2 से 2, 2 जा 4, यहाँ पे 1 बच गया, 0, 10 हो गया, 2, 5 जा 10। ठीक है बच्चों, अब ये 5 से होगा सीधा, 5, 5 जा 25 और 5 × 5। ये देखिए यार, 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो इसका आंसर होगा 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स यहाँ पर 2 जाता है। ठीक है, कितना आंसर है, बिल्कुल ओरली है, 2 टाइम्स इसका ये आपका आंसर हो गया। तो आपको यही बताना था कितने टाइम्स आता है, तो 2 टाइम्स आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 32। हाउ मैनी फाइव्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। अब 100 में 5 कितने टाइम्स आता है, अभी नीचे निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर ये निकले हुए तो देख सकते हैं इसमें 5 भी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 2 टाइम्स। अच्छे से लिख देता हूं मैं 2 टाइम्स। ठीक है, या आप चाहे तो लिख सकते हैं पूरा डिटेल से लिख सकते हैं, 5 कम्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स, या आप सीधा लिखिए 2 टाइम्स, ऐसे ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये थे छोटे से क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।